बिना कहे अपने किडनी दे दी। अच्छा। और आप किडनी देने तो वाली महिला पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि बीच जीत कर चली जाएंगी। किडनी तो वो अपने पिताजी को ना दीजिए। तो जो अपने पिताजी के लिए जान देने के लिए तैयार है। अच्छा। वो जनता के लिए भी देने के लिए तैयार है। सांसद जी का पहचान दनिए जाके सारण के सांसद का नहीं पहचान से पहचानेंगे लोग। कभी उन्होंने सांसद बन के गए उसके बाद दर्शन देने आए ही नहीं। अच्छा। और उन्होंने कुछ विकास का कोई काम किया ही नहीं क्षेत्र में। हमारे राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं, किस प्रकार से रूढ़ी जी से विकास चाहती थी? किस प्रकार का बेसिक जो यहाँ विकास होनी चाहिए वो तो है ही नहीं। किसी के पास नहीं है। कहाँ जब पूछ लीजिए, आम जनता से पूछ लीजिए। हमारा मोदी जी बहुत बड़ा लंबा लंबा बात बोलते थे कि जीतने के बाद में हमारी सरकार आएगी, भाइयों बहनों साल में 2 लाख नौकरियां दूंगी। उन्होंने 2 करोड़ दूंगी देंगे। कहाँ दिया उन्होंने? इतना ही कह होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। रूढ़ी जी को गायब कर दीजिएगा। गायब कि उनका पानी चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने हमारा सरकार जब 17 महीना का हुआ तो हमारे तेजस्वी जी 5 लाख नौकरियां दिया। अरे तो नीतीश जी कह रहे हैं कि नौकरी हम दिया। कहां से? जब नीतीश जी जब भाजपा में थे उन लोगों के साथ थे तो कहां थे उस समय? अच्छा, कहां दिए? 1977 का भी जो लालू जी चुनाव लड़े थे वह चुनाव भी फीका हो गया है। अच्छा एक बात बताइए, अब की बार का जो चुनाव होने वाला है जातिवाद के ऊपर होगा या कार्य के ऊपर होगा? कार्य के ऊपर होगा। अच्छा जी हाँ, विकास के ऊपर? यहाँ विकास के ऊपर होगा बिल्कुल। सारण लोकसभा संसदीय क्षेत्र यहाँ लालू यादव का गढ़ माना जाता है और यहाँ पे आज रोहिणी आचार्य जी का रोड शो हो रहा है। इसी बीच तमाम सारे कार्यकर्ता बंधु उनके चहेते जो कि हैं उनके स्वागत में जुटे हुए हैं। यहाँ पे आप कैमरे में कैद करके दिखाइए कि किनके कितने उनके चाहने वाले लोग सड़क पे उतर गए हैं उनके स्वागत में और रूढ़ी जी के हराने के लिए। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पप्पूराम। अच्छा एक बात बताइए, लोगों के मन में ये ख्याल है कि लालू प्रसाद यादव को जिस तरह लोग यहाँ के चाहते थे, लालू यादव से जिस तरह प्रेम करते थे, क्या उसी तरह रोहिणी आचार्य जी को भी साथ देंगे? करेंगे। अच्छा क्यों नहीं करेंगे? यो तो गर्जीवन थे जी, वो एक गर्जीवन थे जी, पिता के समान थे लालू प्रसाद यादव। लालू यादव जी प्रसाद जो भी थे, लालू प्रसाद यादव जी वो एक गर्जीवन के रूप में थे, एक समान व्यक्ति थे, अच्छे आदमी थे। उनका परिवार जब है तो मेरा परिवार है। जो बहन जो यहाँ से टिकट लड़ रही है, रोहिणी आचार्य दीदी जो लड़ रही है, यानी लालू पर लालू जी के जो लड़की है आपका परिवार समान है? परिवार समान है। अच्छा वो मेरी माँ है, बहन है, लालू जी की लड़की बहन समान है? बहन समान है। इतना ही कहर होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या लग रहा है कितने मतों से जीतेंगी रोहिणी आचार्य? रोहिणी आचार्य अपार बहुमत से जीतेंगी। आपको यह पता से लग जाएगा, जन सैलाब हो चुका है। 1977 का भी जो लालू जी चुनाव लड़े थे वह चुनाव भी फीका हो गया है। अच्छा लालू यादव जी जो चुनाव लड़े थे वो भी इनके आगे फीका हो गया? इनके आगे फीका हो गया है। ये लोगों की चाहत थी कि उस परिवार से हम छपरा लोकसभा का कोई नेतृत्व करे और नेतृत्व करने के लिए आए। एक बात बताइए, आप रोहिणी आचार्य जी को लालू यादव के प्रति आपकी चाह है या रोहिणी आचार्य जी के वजह से? लालू यादव तो हम लोगों के मसीहा थे, चाहता है और उनके बिहाफ में ये नेतृत्व करने हमारे सारण लोकसभा में आई है तो ये भी हमारी चाहती क्या है। क्या लग रहा है आपकी उम्मीद पूरा करेगी रोहिणी आचार्य? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी एक्टिविटी से पता चल रहा है, लोगों से मिलना जुलना, हर गरीब गुरबा नौजवानों से मिलने जुलने से पता चल जाता है कि अगला की एक्टिविटी क्या है, वो क्या चाहते हैं उसकी, वो लोगों के बीच रहना चाहती है। क्या नाम हुआ आपका? जुगेश्वर है। कहाँ आए हैं आप? अपने जमीन पर है। जमीन पे मतलब किस काम के लिए है यहाँ पे? लालू यादव के लिए। लालू यादव के लिए? हाँ। फूल माला लिए हैं, दिखाइए। हाँ। तो यही तो है उनके माला पहनाने के लिए। रोहिणी जी का? रोहिणी जी को। अच्छा रूढ़ी को आवाज बंद हो जाएगा यहाँ पर? अच्छा किसका? हाँ। आवाज बंद कीजिएगा रूढ़ी जी को। रूढ़ी जी का आवाज बंद कर आवाज बंद हो जाएगा तो बीजेपी वाले तो दावा कर रहे हैं 400। आज लालू प्रसाद कितने हम लोग को ऊंचा कर दिया है, गरीब को कितना बढ़ा दिया है, कुर्सी ऊंचा कर दिया है। अच्छा गरीब को लालू प्रसाद जी ऊंचा? हाँ ऊंचा किया है। अच्छा वो ऊंचा किया है बीजेपी वाले लोग? विपक्षी पार्टी का तो लगातार दावा आ रहा है कि लालू परिवार बर्बाद कर दिया। नहीं लालू जी बहुत आगे भगा दिया है। अच्छा। बोलने का मौका दिया है। अच्छा। रहने का भी मौका दिया है। अच्छा। कुर्सी भी बरकरार हो गया है। यहाँ पे कुछ महिलाएं इनके स्वागत में खड़ी हैं, दिखाइए आप कैमरे में कैद करके। इन लोगों से भी थोड़ी थोड़ी बात किया जाएगा और देखिए यहाँ पे किस तरह से रोहिणी जी के चाहने वाले लोग यहाँ पे खड़ी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर चंद्रावती। फूल माला लेके किसके लिए खड़ी हैं? हमारी बहुत प्रिय छोटी बहन। अच्छा। डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी।
जी के स्वागत के लिए मैं अच्छा। खड़ी हूँ। रोहिणी जी से उम्मीद है काम हम करेंगी? बिल्कुल करेंगी, बिल्कुल करेंगी। रोहिणी जी इसके पहले आती थी इस क्षेत्र में? क्षेत्र में नहीं आई है, लेकिन अभी अभी हुए, लेकिन हम लोग उनको डिमांड किया छपरा में। यहाँ के छपरे के लोग का डिमांड था? डिमांड जी हाँ, हम लोग का पूरा डिमांड था कि रोहिणी जी हम लोग के बीच में आए और हम लोग का छपरा का विकास हो, छपरा की जनता के बारे में सोचे, छपरा की जनता के बच्चे के नौजवान के बारे में, नई युवतियाँ महिलाएं हैं उनके बारे में कुछ सोचे, वो करेंगी। अच्छा एक बात बताइए, अब की बार का जो चुनाव होने वाला है जातिवाद के ऊपर होगा या कार्य के ऊपर होगा? कार्य के ऊपर होगा। अच्छा। जी हाँ, विकास के ऊपर? यहाँ विकास के ऊपर होगा, बिल्कुल। चाची किसके स्वागत में आई हैं? सब लोग रोहिणी जी को देखने आए हैं। अभी देखे नहीं, फिलहाल देखेंगे आगे जैसा होगा। अब आगे निर्णय लिया। रोहिणी जी काम हम किए कि ना आप लोग के लिए, जो यहाँ के निवर्तमान सांसद हैं? ये तो हम नहीं बता सकते अभी सब चीज के बारे में। सांसद जी का पहचान तो नहीं है जाके? सारण के सांसद का नहीं पहचाना? वहाँ से पहचानेंगे ये लोग, कभी उन्होंने सांसद बन के गए उसके बाद दर्शन देने आए ही नहीं। अच्छा। उन्होंने कुछ विकास का कोई काम किया ही नहीं क्षेत्र में। हमारे राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं, किस प्रकार से रूढ़ी जी से विकास चाहती थी? किस प्रकार का? बेसिक जो यहाँ विकास होनी चाहिए वो तो है ही नहीं जी। किसी के पास नहीं है। कहाँ, जब पूछ लीजिए आम जनता से पूछ लीजिए। हमारा मोदी जी बहुत बड़ा लंबा लंबा बात बोलते थे कि जीतने के बाद में हमारी सरकार आएगी भाइयों बहनों, हाँ। साल में 2 लाख नौकरियां दूंगी। उन्होंने 2 करोड़ दूंगी, हाँ। देंगे कहाँ दिया उन्होंने। हमारा सरकार जब 17 महीना का हुआ तो हमारे तेजस्वी जी 5 लाख नौकरियां दिया। अरे तो नीतीश जी कह रहे हैं कि नौकरी हम दिया। कहां से? जब नीतीश जी जब भाजपा में थे उन लोगों के साथ थे तो कहां थे उस समय? अच्छा। कहां दिए ये बताइए, ये जनता पब्लिक बुद्धू है क्या? नहीं समझ रही है। अच्छा। इस बात को क्या लग रहा है? अच्छी एक बात बताइए, हाँ। मोदी जी जिस तरह भाइयों बहनों कहते हैं सिर्फ झांसा देने के लिए कहते हैं? बिल्कुल झांसा देने में कहते हैं, उनके हर बात में झूठ है, हर बात में वो फरेबी करते हैं, झूठ। अच्छा। करते हैं जनता के साथ, धोखा करते हैं, कुछ और भी यहाँ पे जुमलाबाजी करते हैं, वो जुमलाबाजी सिर्फ, बिल्कुल जुमलाबाजी करते हैं। कुछ और भी यहाँ पे महिलाएं हैं, इन लोगों से भी बातचीत हम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रावती यादव। आप कह लिए यहाँ पे खड़ी हैं? मेरी रोहिणी आचार्य जी आ रही हैं, उन्हीं के स्वागत में। जी हाँ। क्या लग रहा है रोहिणी जी काम हम करेंगी आपके क्षेत्र में? बिल्कुल करेंगी। लोग का तो कहना है, ऐसे विपक्षी पार्टी के लोगों का कहना है कि वो जीत कर चली जाएंगी सिंगापुर में। विपक्षी तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा। आप पहले वोट दे के भारी मतों से ये जीतेंगी, हाँ। उसके बाद देखिएगी कि क्या कर रही हैं। अच्छा। लालू यादव के इतने बच्चे थे, हाँ। और उन्होंने बिना कहे अपनी किडनी दे दी। अच्छा। और आप किडनी देने वाली महिला पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि बीच जीत कर चली जाएंगी? किडनी तो अपने पिताजी को ना दीजिए। तो जो अपने पिताजी के लिए जान देने के लिए तैयार है वो जनता के लिए भी देने के लिए तैयार है। अच्छा। आप देखे हैं रोड शो में क्या कर रही हैं? रोड़ी जी हाथ नहीं मिलाते हैं, वो बच्चों को गोदी उठा ले रही है, चुम्मा ले रही है, बड़ी माता को प्रणाम कर रही है, पैर छू रही है। और रोड़ी जी से बात कीजिएगा उनके बारे में। रोड़ी जी को, रोड़ी जी हाथ भी नहीं मिलाते हैं? नहीं। अच्छा। रोड़ी जी हाथ मिलाते हैं, जानते हैं? चाचा जब से आए हैं चल रही है, उनको देख कर हालत खराब है। रोड़ी जी का हालत खराब है? जी हाँ। रोहिणी जी को देख के? जी हाँ। रोड शो देख कर? अच्छा, के किडनी देने वाली लड़की 1 मिनट वो बैठ नहीं रही है, चलते रह रही है, 1 मिनट रेस्ट नहीं ले रही है। महिला के सामने वो नहीं टिक पाएंगे? महिला क्या पुरुष किसी के पास नहीं टिकेंगे? क्या किया है कि जो टिकेंगे? सकती है, उनको उड़ा दिया जाएगा। महिला होकर रूढ़ी जी को उड़ा देंगे? जी हाँ एकदम। घर के बारे तो भाग गए, छिपे हुए हैं, उनको पता चल गया है। नहीं धमका नहीं रहे हैं, उनको अंदर से डर पैदा हो गया है कि अब इनके सामने हम टिक नहीं पाएंगे। रूढ़ी जी को डर हो गया है? डर हो गया है, बहुत डर हो गया है। देखिए वो आफ्टर इलेक्शन बिस्तर पर न पड़ जाए। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में अभी जब हमारा संगठन, जब हमारा जीत जाएगा, महागठबंधन की संगठन हमारे जीत के चले जाएंगे, तो हमारा काबिल है राहुल गांधी। राहुल गांधी विपक्षी का कहना है, विपक्षी का एक मिनट सुनिए, विपक्षी का कहना है कि दुल्हा नहीं है इसीलिए घोषणा नहीं हो रहा है। नहीं गलत बात है, हम उनका अपना इति है, अपना करना है। हमारा दुल्हा है राहुल गांधी। राहुल गांधी? जी हाँ। तो फिर घोषणा क्यों नहीं हो रहा है? घोषणा होगा ना? होगा। अच्छा। घोषणा सब हाँ होगा घोषणा। हड़बड़ का काम राहुल गांधी जीतेंगे तो आप लोग का समस्या का समाधान करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या? बिल्कुल करेंगे। युवाओं को नौकरी देंगे? हाँ देंगे, क्योंकि खुद वो युवा हैं। अच्छा। युवा का नौकरी देंगे, युवा है इसीलिए। हाँ। तो कहता तो सबको ही है लेकिन करता तो नहीं ना? वो करेंगे ना जी। अच्छा। करेंगे, उनको मौका मिले। 17 महीना में 5 लाख नौकरियां दिया करे लोग कहता है, आप तो वो करके दिखाए, कहे और कहे भी किए। तेजस्वी यादव के कार्यों के ऊपर ही देश चुनाव लड़ेगा जी।
अच्छा अभी 17 महीना में 5 लाख दिया है, 17 साल में क्या किए हैं? यानी हम ऐसा कह दें इन लोग के ओपिनियन के रीजन से कि जो 17 महीना का जो तेजस्वी यादव का कार्यकाल रहा है ये चुनाव में बहुत ही बड़ा फैक्टर बन गया है। जहां भी हम लोग जा रहे हैं चुनावी चर्चा के लिए वहां पे 17 साल बनाम 17 महीना का चर्चा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव का जो 17 महीना का कार्यकाल रहा है ये चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में बहुत ही बड़ा फैक्टर बन गया है। और लोगों का जो ये रह गया है जो जातिवाद, लोग जातिवाद से ऊपर उठ करके चुनाव में मत देना चाहते हैं और लोग का यही मुद्दा रहेगा विकास, विकास होगा तो वोट मिलेगा। क्या चाचा किस मुद्दा पे आप वोट कीजिएगा आपकी बार? हम लोग आपके रोहिणी आचार्य को तन मन से जिताएंगे। अच्छा हाँ, लालू यादव से भी ज्यादा वोट देके जिताइए? लालू यादव से 5 लाख वोट से जिताएंगे आपकी, 5 लाख वोट से जिताएंगे। तो रूढ़ी जी तो यहाँ से रूढ़ी जी को गायब कर दीजिएगा। गायब कि उनका पानी चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। रूढ़ी जी को पानी चढ़ना, पानी चढ़ेगा। अच्छा। नॉमिनेशन होने दीजिए, इसके बाद देखिएगा। नॉमिनेशन के पहले ये हाल है, नॉमिनेशन के पहले ये हाल है। उसके बाद में उनका बेड रेस्ट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, रूढ़ी जी कहीं 5 साल के कार्यकाल में, संसदीय कार्यकाल में कोरोना ऐसी महामारी है, कोरोना में क्या लोगों का साथ किस तरह से दिए थे? कहाँ दिए साथ, एम्बुलेंस मंगा के सब घर में घुसा लिए। रोड़ी जी का तो ऐसा कहना था ड्राइवर नहीं है तो हम ड्राइवर नहीं है। हाँ। उनको बात मानिएगा, उस छोटा आदमी के 420 आदमी है वो। अच्छा। चोर आदमी है ये तो बड़ा आरोप लगेगा। अरे बड़ा आरोप, बहुत बड़ा आरोप लगेगा उन पर। अभी देखिए ना। अच्छा। अभी ये टेलर है, अभी टेलर चल रहा है, फिल्म स्टार्ट होगा चुनाव के। क्या कह रहा है चाचा? पलटू काका है, पलटू का उधर बदल कर लेते हैं देश को। कौन पलटू है? वही रूही पलटू काका हो गया है। रूढ़ी पलटू काका? हाँ वो पलटू काका है। अच्छा, ये उन्हें पलट पलट कर जाए। ऐसे पलटू है कुछ बताइए। पलटू है, कभी इन्हें बदल लेंगे, कभी वो बदल लेंगे, कभी वो बदल लेंगे, वही उनका व्यवहार है। वो पलटू काका उनको नाम किया गया। क्या नाम हुआ भैया? वीरू प्रताप यादव। पगड़ी बांधे एकदम हरियर का? बांधे हरियर है तब ना, हरियर रहना है। अच्छा, हरियर गमछा बांधे हरियर रहना है। रोहिणी जी जीतेंगी ना? 5 लाख वोट से। 5 लाख वोट से? अगर नहीं बताइए। अच्छा आपका नाम क्या हुआ? वीरू प्रताप यादव। यादव जी है इसीलिए एकदम यादव जी नहीं, मेरे साथ है राजपूत समाज के भी मेरा दोस्त है, वो भी साथ में है। अच्छा, अभी भी घूम रहा है वो। ऐसा नहीं है कि केवल यादव ही है। हाँ। यहाँ टोटल के यादव है, सब कास्ट के भी लोग हैं। हाँ। लेकिन एक ही शर्त है, 17 मना 17 महीना। अगर आप यादव जी हैं फिर भी आपका आवाज़ क्या लूज है जी? लूज नहीं है, हम लोग यादव जी का आवाज़ तो ऊँचा रहता है। ऊँचा रहता है। अच्छा, लेकिन कुछ ये इतना गर्मी है, इतना घूमे हैं हम लोग। अच्छा, इतना चिल्ला दिया है। कभी कभी भी हम लोग को ऊँचे ही रहता है। अच्छा, कभी भी ऊँचे रहते हैं। हाँ। तब रोहिणी दीदी 5 लाख मत से जीतेंगी? हाँ, 5 लाख वोट से जीतेंगी। अच्छा। वो जीतेंगी तभी कुछ नौजवान को कुछ मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, गड़खा गांव है, गड़खा इलाका है, वहाँ पे कोई पुल बन रहा था, वहाँ पे एक तरफ बोर्ड लगा है विधायक जी का शिलान्यास का और एक तरफ लगा है रूढ़ी जी का, आखिर वो कार्य कौन करा रहा है? देखिए हम तो एक मतदान करते करते, हम मंत्री जी का पीए भी हैं, अपना जो गड़खा सुरेंद्र राम जी उनका पीए भी हैं। अच्छा, उनका पीए हैं? ये तेजस्वी बाबू का ही देन है कि वो पुल हुआ। अच्छा, और सबसे ज्यादा इनमें जो गड़खा के एमएलए हैं, सब पूर्व मंत्री, अभी सर बैठे थे वहाँ, उनसे भी जाके पूछिएगा, गड़खा से एक एक व्यक्ति से भी पूछिएगा कि पुल देने के काम के किया है, तो एक सब लोग बता देगा। यहाँ जब इस संसदीय क्षेत्र में रोड शो हो रहा था तभी हमने लोगों के बीच आया और यहाँ के ओपिनियन जानने का प्रयास किया, बस यहाँ एक ही मकसद है और ये चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है, 17 साल बनाम 17 महीना। लोगों का यही चाहत है कि अब की बार रोहिणी आचार्य जी को जिताना है और संसद में पहुँचाना है। लालू यादव से भी ज़्यादा लोग इन्हें मत देकर जिताने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी क्या कुछ होने वाला है आगे, हम लोग का इंतजार रहेगा। बाकी आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।